फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायरा होम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही बड़े बनाने का तरीका। दही बड़ा बनाने के लिए जो हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, उसमें सबसे पहले मैं ले लूंगी 1 कप बेसन, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस टेस्ट के लिए, 1.5 टेबल स्पून वाइट पेपर और 1 कप नीम गर्म पानी। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। एक खाली बाउल ले लीजिए, इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे, देन 1.5 टेबल स्पून जो लेमन जूस लिया था वो ऐड करेंगे, वाइट पेपर, स्पून सॉल्ट, रेड पेपर, जीरा पाउडर, स्पून बेकिंग पाउडर, आप नीम गर्म पानी से इस अमेजे को मिक्स कर लेते हैं। अमेजे को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना बने। बड़े का सामान रेडी है। एक पैन ले लें और उसमें ऑयल डालकर गर्म होने तक वेट कर लें। अब बल्ले ऐड कर लेते हैं। नॉर्मल से कुछ बड़े बल्लों का साइज रखें। दही बड़े ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। इनका लुक क्रंची क्रंची आ रहा है। जब इनका लाइट गोल्डन शेड में इनका कलर हो जाए तो इनको फिर निकाल लेना। निकाल के डायरेक्ट पानी में अप्लाई कर देना है। दो से तीन मिनट तक पानी में रखना है, इससे ज़्यादा इनको पानी में नहीं रखना। अब दही में ऐड कर लेना है सॉल्ट। जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करना है, रेड पेपर, टू टेबल स्पून जो है ये मिंट की चटनी है, एक कप अनियंस, जीरा पाउडर, कटी हुई ग्रीन मिर्ची, दही हमारे पास बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसका मिक्सचर को टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको मिक्सचर में कोई कमी पेशी लगे सॉल्ट की या चिली पाउडर की, तो आप जो है इसमें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं। भड़ों को पानी से निकाल लिया है, ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बाउल ले लेते हैं, इसमें जो बड़े हैं उनको ऐड कर लेते हैं।
अब दही को इसमें अप्लाई कर लेना है। टमाटर की चटनी की एक लेयर दे देनी है गार्निश के लिए। इससे जो दही बड़े हैं उनका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस हो जाएगा। गार्निश के लिए इसके ऊपर टमाटर, अनियन और कैप्सिकम से क्या गार्निश कर ली है। अब इसके ऊपर पापड़ी, भल्ले की पापड़ी ऐड कर लेनी है। ये आपकी चॉइस पे है कि आप कितना भल्ले की पापड़ी को ऐड करना चाहते हैं। ये हमारे पास दही बड़े प्रॉपरली तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट के सूरत में अपनी सजेशन ज़रूर दें। मिलती हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।